my name is Lakshika and I hope you guys are doing absolutely awesome. And पीछे लहरों की आवाज से आपको पता चल गया होगा मैं हूँ बीच पे, मैं हूँ साउथ गोवा में पालुलम बीच पे। जो पालुलम बीच है ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच साउथ गोवा का, ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है। एंड बहुत सारे फॉरेनर्स जो है साउथ गोवा में रुकना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ का जो बीच है वो बहुत साफ है, एंड दूसरा जो यहाँ पे रहने के लिए होटल वगैरह है वो आपको बहुत ही अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। तो या अभी इस टाइम पे दोपहर है, तो दोपहर को थोड़ी भीड़ कम लग रही है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आएंगे। एंड मैं पानी में नहीं जाने वाली अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। अभी मैं शाम को जाऊंगी वाटर में एंड मैं उसका व्लॉग बनाती रहूंगी। डॉग है जो उसका ऑनर है, वो पानी में एकदम दूर कुछ फेंकता है एंड ये लोग भाग भाग के लहरों के बीच में से निकाल के लाते हैं। अगर आंख बंद करके सुनो तो कितना रिलैक्स लगता है, कितना सूदिंग लगता है, मतलब अलग ही फीलिंग है। तो ये हम लोग निकल चुके हैं पालुलम बीच से अगोंदा बीच की तरफ। थोड़े से क्लिप्स लिए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये वहाँ की लोकल मार्केट है, बहुत सारे लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। एंड यहाँ पे बिल्कुल पास अगोंदा बीच के एक चर्च है, आप लोग चाहो तो वहाँ रुक सकते हो, वहाँ पे पार्किंग फ्री है। थोड़ा टाइम 10-15 मिनट चर्च में जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये वो चर्च है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हम लोग भी वहाँ रुकना चाहते थे, बट बिकॉज़ हम लोगों ने पालुलम बीच पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था और हमें अगोंदा बीच पे भी थोड़ी देर रुकना था, इसलिए हम फटाफट से निकल गए थे अगोंदा बीच की तरफ। एंड बाहर का व्यू आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। एंड यस, बस ये अब हम पहुँच गए हैं अगोंदा बीच पे एंड थोड़ा सा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया।
अगोंदा बीच से हम निकल गए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। एंड हम लोगों ने रास्ते में कोकोनट वाटर पिया था, जो कि हमें सिर्फ 40 रुपीज़ में मिला था, और उसमें बहुत सारी मलाई भी थी, तो एकदम रिफ्रेशिंग सा था वो पीने के बाद। एंड उसके बाद हम लोग एक पिज़्ज़ा शॉप पे रुके थे, एंड सॉरी मैं उस पिज़्ज़ा शॉप का नाम भूल गई हूँ। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, एंड उस पिज़्ज़ेरिया के मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। एंड डेफिनेटली जब इतनी सारी थकावट हुई होती है, आप लोग कुछ खाने के लिए मिल जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद हम लोग एक प्राइवेट बीच पे गए थे, राजबाग बीच था उस बीच का नाम, एंड वो किसी बहुत बड़े होटल का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस बीच पे सी और रिवर का रीयूनियन होता है, यहाँ पे वो मिलते हैं। अंधेरे में आप लोगों को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो वाला क्लिप डालने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं दिखा पाऊँ सी और रिवर। अलग अलग रंग बहुत प्यारे लगते हैं। गोवा में स्कूटी पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। एक बार स्कूटी पे घूम लियो तो कार वार सब भूल जाओगे, आपका मन करेगा कि स्कूटी पे ही पूरा गोवा घूम लिया जाए। एंड ये हम फिर से निकल चुके हैं टुवर्ड्स पालियोलियम बीच, एंड रात को हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छे अच्छे शैक्स हैं वहाँ पे रुकने के लिए, मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप लोगों को वहाँ पे रुकना चाहिए। मैंने अच्छे अच्छे क्लिप्स लिए हैं आप लोगों के लिए, एंड वो वाले क्लिप्स आप लोग प्लीज़ मिस मत करना, मैं इसी वीडियो में डालने वाली हूँ आगे चल के। लाइव म्यूजिक था, हम लोगों ने खाना किया खाया, एंड बहुत ही अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। लाइव म्यूजिक चल रहा है, एंड सामने लहरों की आवाज होती है।
चेक 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 सो ये वाले वो शैक्स हैं जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं एंड प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। मैं तो आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी अगर आप लोगों के पास आप लोग ज़्यादा देर रुकने वाले तो एक रात आपको यहाँ पे भी स्पेंड करनी चाहिए। एंड ये यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं पालियोलम बीच से घर की तरफ एंड बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भीड़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। एंड हम लोगों ने तो पालियोलम बीच पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा एंड अगर आप लोग भी गोवा जाते हो तो पालियोलम बीच तो जाना चाहिए। एंड ये नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे पणजी की तरफ। सो आज के दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा एक दिन स्किप हो जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है उसमें। वो वाला दिन मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग में नहीं बनाया था एंड बट डेफिनेटली एक और व्लॉग आएगा गोवा का। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए एंड अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मैं डेफ़िनेटली आपके लिए आगे आगे चल के और अच्छे अच्छे व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी व्लॉग्स में नई हूँ तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यस, अभी आप लोग मुझे देखोगे मैं कैसे बच्चों की तरह फैल जाती हूँ जहाँ पे मुझे झूला दिखता है। एंड ये देखिए मज़े करते हुए। एंड यस, प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ माई चैनल गाइज़।